नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीएससी अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो नाम है वो आप सभी को पता है कि आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। आपके जो सवाल हैं वो हमें WhatsApp के थ्रू, YouTube के थ्रू और Instagram के थ्रू हासिल हुए हैं। कई लोगों ने Facebook पर भी कई सारे कमेंट किए हैं कि सर कोर्स तो हम लेना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम कोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा, पीडीएफ कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई जब एक नई और अच्छी चीज होने वाली होती है तो उसे लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उभरते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने भी जा रहा है। तो यकीन मानिए कि ऐसा वाकई में होने जा रहा है और एक क्रांतिकारी सिलेबस आप लोगों के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्रांतिकारी मतलब ये कि 100% जो MPPSC कहता है वो सभी बातें हमारे इस वीडियो लेक्चर के पूरे कोर्स में अवेलेबल होगा, 100% होगा। अगर ना हो तो आपका जो भी फीस रहेगा जितना भी वो सब हम रिफंड करेंगे, ठीक है। मैं ये बात पूरे वीडियो में कह रहा हूँ और बाय वीडियो कह रहा हूँ कि अगर आप हमसे संतुष्ट न हुए, हमारे कोर्स से संतुष्ट न हुए तो पूरी फीस हम वापस कर देंगे अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो लेक्चर में कुछ कम है, ठीक है। एक और बात कि हम लोगों ने अभी तक आपको पूरे एक महीने का डेमो दिया है। आप खुद ये बात सोचिए कि एक महीने का डेमो आपको अभी तक कितनी कोचिंग संस्थान ने या कितने वीडियो प्रोवाइडर जो वेबसाइट या अदर थिंग्स हैं उन्होंने आपको दी है। क्या एक महीने का डेमो कोई देता है? तो उत्तर होगा नहीं देता है, ठीक है। और इन एक महीने में जितने भी आपके सवाल जवाब और जो भी सजेशंस हुए वो सभी हमने सुधारे हैं, उन सभी पर हमने काम किया है और वो सब चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में भी शामिल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको मिलेगा ये www.psc.com पर। अब मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप लोग देखेंगे कि ये वेबसाइट आई कहाँ से। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये वेबसाइट आई कहाँ से। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक न्यू टैब ओपन कर लें और यहाँ पर लिखें आप PSC अड्डा। ये हम गूगल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पीएससी अड्डा और इंटर मार देंगे, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको पूरा पीएससी अड्डा मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो लिंक है वो यूट्यूब के थ्रू आ रहा है तो हमको इस पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। इससे आप यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओगे। इसके बाद सेकंड आ रहा है पीएससी अड्डा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ सेकेंड लिंक पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद वेलकम पेज आएगा। इस पेज में जैसे आप आए, ठीक है, थोड़ा क्लिक पहले ही हो गया। जैसे आप आएंगे यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आया है जिसमें MPPSC 2020 मेंस जो क्लासेस होंगी उस पर पूरा हमने एक इमेज दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। इसमें वीकली जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, रिटर्न टेस्ट होंगे वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। सिलेबस वाइज जो क्लासेस हैं वो होंगी, टॉपिक होगा। वीकली जो लाइव डाउट सेशन होंगे वो अरेंज किए जाएंगे आप लोगों के लिए। क्लासेस बेस्ड क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। जो क्लासेस होंगी वो पूरा क्वालिटी बेस्ड मटेरियल पर ही होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो होगा वो पूरा PDF फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा और जो MPPSC 2020 की जो टेस्ट सीरीज होगी ये भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर 1200 लेक्चर इसमें कवर किए जाएंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो सीधे यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं और अगर आप इसको न भी करें तो यहाँ पर आप पूरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद आपको कहीं जाना, सीधे लिखा हो MPPSC 2020 ऑनलाइन क्लास, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा MPPSC 2020 जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ये अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ आपको सब दिया हुआ है, एग्जाम कवर, कोर्स कंटेंट, डेमो वीडियोस, और जैसे उस पर आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो सब चीजें ओपन होंगी। जैसे प्राइसिंग, तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग आ जाएगा। अबाउट एजुकेटर, हमारे बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी और आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न भी FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अवेलेबल होंगे। इनको पढ़कर आप यहाँ संतुष्ट हो सकते हैं, इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम अलग से चर्चा करेंगे, अभी इस पर कोई चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कोर्स कहाँ से कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, कि कोर्स कैसे परचेज करें। लेकिन वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है, आप चाहें तो अपने लेवल पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये इमेज है ये इसी बात को बता रही है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो रोज सब्जेक्ट वाइज क्लास होगी, पीडीएफ मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट मिलेंगे, ये हफ्ते में मिलेंगे, ठीक है। ये आपको हफ्ते के आखिरी में आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। पढ़ाए गए विषय पर प्रत्येक सप्ताह ऑब्जेक्टिव और रिटन टेस्ट होगा। एमपी में कोई नहीं करता, ठीक है। पूरे एमपी में लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा सिलेबस कवर करते हैं, उसका वीडियो का पूरा पेन ड्राइव बनाते हैं, पेन ड्राइव बनाकर उसे भेज देते हैं। उसके बाद वो कभी झांक कर नहीं पूछते कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कभी टेस्ट नहीं देते, कभी वो रिटर्न टेस्ट नहीं अवेलेबल कराते, कभी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं कराते, कुछ भी अवेलेबल नहीं कराते हैं। सीधे सीधे वो केवल बेचा और उसके बाद भूल गए वाली पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा न हो, इसीलिए हम लोगों ने एक चीज और यहाँ पर ऐड किया है, वो है कि मंथली आपको पे करना है, ठीक है। आपको मंथली पे करना है, आपको लमसम पे नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी में कहीं भी गड़बड़ है तो आप छोड़ दो, आप अगले महीने से कोई ज्वाइन मत करो, कोई फीस मत दो, अगर आपको क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज लगता है तब। और अगर आपको लगता है कि नहीं क्वालिटी में दम है तो आप उसको कंटिन्यू करिए। कम से कम 12 महीने का पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। और 12 महीने का क्यों है, उसका कारण है कि हम क्वालिटी को कवर करने वाले हैं, पूरी क्वालिटी होगी। इसमें किसी भी तरीके की फर्जी चीजें या सिलेबस में कम बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें फिर बताना चाहूंगा, वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट ये सब अवेलेबल होगा। वीकली आपको टेस्ट भी मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आप चाहें कि नहीं हम तो अदर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, हम लोगों को तो फुल लेंथ टेस्ट भी चाहिए, तो वो भी आपको पीएससी अड्डा पर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट अलग से रहेगा, ठीक है। वो अभी प्लेटफॉर्म बन रहा है, उस पर अभी हमारा काम चल रहा है कि पूरा एमपीपीएससी पर काम होगा उसमें, ठीक है। आप कॉल करना चाहे तो ये हमारा नंबर है, आप दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे जो ऑफिस है वो मंदसौर गांधी चौराहा पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, आप यकीन मानिए। 1 महीने का डेमो कोई नहीं देता, हम लोगों ने दिया है, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल सीना तान कर दिया है आप लोगों को कि आप पहले पढ़ो, समझो चीजों को। लूशन बेस्ड चीजें नहीं है, किसी एक बुक में बेस्ड नहीं है, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा आप सभी को कि जो आप इंदौर की कोचिंगों पर, महंगी महंगी कोचिंगों पर 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया का जो फीस देते हो ना, भूल जाओगे उन कोचिंगों को। वो 1-2 लाख रुपए लेकर जो शोषण कर रहे हैं वो भूल जाओगे, आर्थिक शोषण जो हो रहा है वो भूल जाओगे। बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल सबसे कम कीमत पे और बिल्कुल ऑथेंटिक, केवल पीएससी अड्डा पर, ठीक है। तो पहले आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। तो देखो, इसके लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस में आप देख पाओगे कि ये रहा आपका सिलेबस, 1 मिनट, है ना, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है ये पूरा एमपीपीसी का सिलेबस, ठीक है। ये रहा, आप इस सिलेबस में पढ़ते जाओ कि क्या क्या चीजें हैं और अभी तक क्या क्या सर ने बताया है, ठीक है। जैसे आप देखोगे इतिहास और संस्कृति, तो यहाँ इतिहास संस्कृति में क्या दिया हुआ है कि भारत का राजनीतिक, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप शब्दों को पकड़ो, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास। क्या इतिहास में भी ऐसी कोई क्लास हुई जिसमें मैंने राजनीतिक पहलू ना बताया हो, उसका आर्थिक पहलू ना बताया हो, उसकी समाज व्यवस्था ना बताई हो, उसका संस्कृति, कला, पक्ष, नगर नियोजन वगैरह न बताए हों? आप कहोगे सर ये सारी चीजें बताई हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये पूरा ऑलरेडी है, ठीक है। शब्दों पर गौर करोगे तो मजा बिल्कुल आएगा कि हाँ कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये बने बनाए सेट्स नहीं है, ये बनाए जा रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ जो सिलेबस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इकाई दो है, इसमें देखो 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक, प्रशासनिक मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ब्रिटिश शासन, ठीक है। तो ये जितना कहा उससे ज्यादा ही सिलेबस हम कवर करके देंगे, क्योंकि हम एक बात और जानते हैं कि यहाँ तो आप पीएससी पीएससी कर रहे हो, लेकिन होगा क्या जब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा तो क्या यूपीएससी का फॉर्म नहीं डालोगे? ये भी तो डालोगे ना। तो यहाँ पर हमारे ऑलरेडी एक तीर से कई सारे निशाने हो जाए, इसीलिए ये वीडियोज कवर किए जा रहे हैं और सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा पेपर आप देख लेंगे, पूरा होगा। इसके बाद ज्योग्राफी पूरा होगा, ठीक है। पहले अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, आप देख सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, हिमनद, है ना, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, क्रिया, ये सारी हैं। एक बच्चे ने भी मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर क्या जो आपकी झीलें वगैरह हैं या रेगिस्तान वगैरह वो सिलेबस में तो है नहीं,
तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ विश्व का भूगोल, ठीक है, तो विश्व का भूगोल कह दिया मतलब वो सारी चीजें पूछेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात कि आपको मेंस तो देना ही है, लेकिन मेंस देने से पहले आपको प्री देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो शब्द मैंने क्या इस्तेमाल करना है कि आपको मेंस तो देना ही है, मतलब मैं अपने कोर्स को लेकर इतना कंफर्म हूँ कि आपको प्री और मेंस बिल्कुल क्लियर करवा के रहूंगा, ठीक है। तो प्री में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाला डेजर्ट कहाँ पर, जैसे सहारा पूछ सकते हैं आप, सहारा कहाँ है, गोभी का रेगिस्तान कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि ये एमपी का इतिहास, ठीक है, ये बहुत समस्या देता है, तो मैं ये भी बता दूं ये सब कवर करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, ये सब इसमें कवर होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे और भी कई सारे टॉपिक है, जैसे कि जल प्रबंधन हो गया ना, आधुनिक भूगोल की तकनीक हो गई, जैसे कि सुदूर संवेदन, जीआईएस, जीपीएस, अभी जितने भी रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितनी भी सड़कें बन रही हैं, वो जीपीएस और जीआईएस तकनीक पर ही चल रहा है। इसके बाद सामान्य अध्ययन का जो पूरा टॉपिक है, जैसे कि भारतीय संविधान, वैचारिक तत्व, संघवाद, ये पूरा कवर होगा। इसके बाद जो संस्थाएं हैं ये कवर होगी। इसके बाद जाति, धर्म, वर्ग, नर जाति, भाषा, लिंग, भूमिका, ये सारी चीजें पूरी तरह से कवर होगी। इसके बाद 73-74 जो संविधान संशोधन हुआ, ये सब कवर होगा। जवाबदेही अधिकार, लोकतंत्र, समुदाय, मीडिया की भूमिका, ये सब कवर होगा, ठीक है। इसके बाद कौटिल्य और उनके उनके जैसे ही जो और राजनीतिक विचारक हुए हैं, ये सारे भी कवर करवाए जाएंगे सिलेबस में। प्रशासन संबंधी और प्रबंधन के कुछ जो काम है, ये भी हमारे यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं सिलेबस इसलिए आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये न कहने को हो जाए कि सर ना आपने बताया नहीं था, ठीक है। पेपर चार अर्थशास्त्र ये शुरू हो चुका है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और इकोनॉमी पर तो हमारा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे पूरे एमपी में कोई इकोनॉमी पढ़ाता ही नहीं, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हो, उनके भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर इकोनॉमी तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी कभी ऐसा देखा ही नहीं कि एनिमेशन के थ्रू इमेजेस बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे बुक रेफर कर देते हैं, बुक लिया पढ़ो, और जैसे नॉर्मल जो तरीका है वैसा, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा परिवर्तन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम होगा, एमपी वाला जो सिस्टम है ये भी होगा, पूरा इकोनॉमी होगा, मानव संसाधन के जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसी के साथ साथ जो तीसरा प्रश्न में विज्ञान और तकनीक है, ये तो कवर हो गई है ना, पूरा फिजिक्स कवर होगा, ये पूरा फिजिक्स दे रखा है, ये पूरा कवर होगा। इसके बाद ये केमिस्ट्री है दूसरा, ये पूरा केमिस्ट्री कवर होगा। इसके बाद ये बायोलॉजी के हैं, ये सारे भी इसमें कवर होंगे, है ना, जूलॉजी और आपका बॉटनी, ये कवर होगा। कंप्यूटर पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद संख्या और प्रकार, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, मैं आपको फिर अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर मैथ्स का क्या होगा, तो मैथ्स पढ़ाई जाएगी, पूरे तरीके से पढ़ाई जाएगी, 100% मैथ्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये वाला टॉपिक है संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम, ये वाला टॉपिक पूरा कवर होगा। इसके बाद ये जो तकनीकें दी हैं, ठीक है, और जो संस्थान दिए हैं, ये सारे कवर करवाए जाएंगे, इनमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, ये सब कवर होगा। इसके बाद जो आठवां टॉपिक है परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अर्थ परिभाषा, उदाहरण अंतर, फिर इसके बाद आपका ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठन, ये सारे इसमें कवर होंगे, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम, ये सब कवर करवाया जाएगा, पर्यावरण की शिक्षा भी कवर होगी। उसके बाद दसवीं इकाई जो है भूगर्भ शास्त्र वगैरह, ये भी कवर होगा, और ये पूरा पूरा जो है वो जियोग्राफी में कवर करवाया जाएगा, ठीक है, ये पूरा कवर होगा। इसके बाद दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, भैया पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ YouTube चैनल पर कि ये 100% कवर होगा। लोग जो थोड़े से नोट्स बना लेते हैं 50-60 पेज के और उससे पूरा इथिक्स कवर करवा देते हैं, नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ 100% बिल्कुल जैसा कवर होना चाहिए ईमानदारी से वैसा कवर होगा, जिसमें दार्शनिक विचारक अच्छे समझाए जाएंगे, मनोवृत्ति, सांवेगिक बुद्धि ये समझाई जाएगी, मानवीय आवश्यकताएं, उनसे अभिप्रेरणा जो मिलती है वो, भ्रष्टाचार की समस्या समझाएंगे, केस स्टडी भी बताएंगे कि केस स्टडी को कैसे हल करना है, होती क्या है। इसके बाद पांचवा प्रश्न पत्र हिंदी पूरा कवर होगा, 100% कवर होगा, और विद गारंटी 150 नंबर आप ला सकें या उससे ज्यादा नंबर आपके आ सकें, ये स्ट्रेटेजी के साथ हिंदी कवर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका छठा पेपर है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो है निबंध, ठीक है। निबंध देखो 100 नंबर का होता है, और इस 100 नंबर में से हमें कम से कम 60+ नंबर कवर करने हैं, और इस स्ट्रेटेजी के साथ में निबंध भी बताया जाएगा कि कैसे निबंध लिखना है, और ये सारे टॉपिक जो है इन सब पर निबंध लिखवा कर बताया जाएगा, और आपको भी लिखने का तरीका बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जो है निबंध के सारे कवर होंगे, 100% सिलेबस कवर होगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ,
और YouTube पर दे रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, आप वीडियो चाहो तो अवेयर कर रख लेना, ठीक है। चलो तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि भाई सिलेबस में क्या क्या कवर होगा। सिलेबस 100% कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। दूसरा क्वेश्चन कि क्या हमको पीडीएफ रोज उपलब्ध होंगे, तो बिल्कुल होंगे। जो भी वीडियो बनेगा उस वीडियो का जो भी पीडीएफ होगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ होगा ये आपको कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर कहाँ मिलेगा, तो आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। मैं वहीं पर एक लिंक बनवा दूंगा, वहीं से आप वीडियो देखकर उसको डाउनलोड कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या काम के नोट्स जो हैं वो सारे एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे, तो देखो जो नोट्स होंगे वो एक साथ उपलब्ध नहीं होंगे, वो होंगे हफ्ते में, ठीक है। वो हफ्ते में उपलब्ध हो जाएंगे, पहले आप वीडियो देख लो, ठीक है, अपना शॉर्ट नोट बना लो, है ना, पीडीएफ ले लो, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको हफ्ते में रिवीजन के लिए कुछ दिन मिलेंगे, 1 से 2 दिन आपको रिवीजन मिलेगा, शनिवार और रविवार रिवीजन डे रहेगा, तो उनमें आप आराम से पढ़ के उसको रिवाइज कर लेना। और जो टेस्ट मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट आपको देना है, और इसी पर आपको लिखित में भी टेस्ट मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर के 5 नंबर के और 11 नंबर के उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको लिखना है रिवीजन करने के बाद में। ये स्ट्रेटेजी अपनी रहेगी, तो नोट्स भी मिलेंगे पूरे। एक दिन में कितने वीडियो मिलेंगे, तो देखिए एक दिन में आपको 3 वीडियो मिलेंगे, ठीक है, और 3 से ज्यादा मिलेंगे, मैं कहूंगा 3 से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी मिल रहा है। करंट अफेयर जो है वो फ्री रहेगा, वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इसी के साथ साथ डेली के जो इवेंट्स होंगे उन पर भी स्पेशल वीडियोस हमारे द्वारा लाए जाएंगे, ये भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पूरा सिलेबस है वो कितने समय में पूरा होगा, तो भैया 12 महीने में होगा। मैं ये दुलासा नहीं दूंगा कि मैं 6 महीने में कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई 6 महीने में कर रहा है तो आप प्लीज उसके यहाँ चले जाइए, ठीक है, और अपना सिलेक्शन निश्चित करवा लीजिए। मैं कह रहा हूँ 100% 12 महीने में पूरा सिलेबस कवर होगा, और इतनी शिद्दत के साथ कवर होगा, इतना अच्छे से कवर होगा कि आप याद रखोगे कि वाकई में कुछ पढ़ा था, ठीक है। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखो, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि आपने कुछ पढ़ा है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी किताब लेके बैठा हूँ, आप भी किताब लेके बैठ जाओ और जस्ट वो हो रहा है, वो पढ़ना नहीं होता, वो किताब पढ़ना हो रहा है, वो पढ़ने का तरीका नहीं है। पढ़ने का तरीका ऑडियो विजुअल वे में इस तरीके से चीजों को समझा दिया जाए कि बच्चों को वो चीजें लंबे टाइम तक के लिए बनी रहे, उसको हम पढ़ना कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है कि ये जो वीडियो आने वाले हैं यहाँ से नई शुरुआत होगी, हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, तो भैया ये नई शुरुआत नहीं, पुरानी वे रहेगा। 1 मंथ का जो आपको डेमो मिला है ये वहीं से आगे कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये तो बिल्कुल हमने फ्री कर दिए कि आपको 1 महीने का फी नहीं देना, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, ठीक है। लेकिन आगे यहीं से जो वीडियोस मिलेंगे वो आपको कंटिन्यू रहेंगे, और यहीं से आप नोट्स बनाएं, आप घबराए नहीं कि वापस हम पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन ये मिलेंगी उनको जो पेड कोर्स लेगा। मैं साफ बात कह रहा हूँ, आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, मैं उन नेगेटिव कमेंट से नहीं घबराता, और उन्हें भी सोचना चाहिए इस ओर कि जिस चीज की कीमत नहीं होती ना, जिस चीज की कीमत नहीं होती उसको हम सीरियस लेते भी नहीं है, ठीक है। तो हमने जितनी मेहनत से पढ़ाया उतना शायद ही एमपी में कोई पढ़ा रहा है, खासकर एमपीपीएससी के संदर्भ में। और दूसरी बात कि इसको जब आप सीरियस नहीं ले रहे हो फ्री में, तो भैया जाहिर सी बात है पेड कर दो, जब आप पैसा दोगे ना तो अपने आप सीरियसनेस आ जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जब हम 20 रुपए की बिस्लरी खरीदते हैं ना, तो उसकी एक एक बूंद को अच्छे से पीते हैं और क्या बोलते हैं, भैया 20 रुपए लगे हैं। वहीं पर अगर कोई हमको एक बोतल पानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, हम उसमें मुंह भी धोएंगे, कुल्ला भी करेंगे, अपने पैरों पे भी डाल देंगे, जो मन पड़ेगा करेंगे, उसका कोई कॉस्ट नहीं समझेंगे। यही हमारी धरती माँ की सबसे बड़ी कमी भी है जिसका दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 रुपए लगे तो बिस्लरी की एक एक बूंद पी, और तो और बोतल भी अवेयर रखते हैं, आगे फ्यूचर में काम आएगी। इसीलिए हम लोग जो है पेड कोर्स स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा हेतु अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुख्य परीक्षा हेतु हमें प्रश्न कब मिलेंगे, तो देखो डेली मिलेंगे। पहली चीज आप याद रखें, डेली मिलेंगे। जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और उनको आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद शनिवार के दिन आपको टेस्ट मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और रिटर्न होगा, ठीक है। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे, पहला प्री में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, सब समझ में आ जाएगा, और दूसरा मेंस में हमको क्या करना है वो भी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये मत समझिए कि बस ये कोर्स है, कोर्स नहीं है बेटा, ये पूरा पकड़ के चलेगा। 7 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर 7 दिन में ईमानदारी से पढ़ाई की ना, तो आप खुद कह दोगे 8वें दिन के वाकई में कुछ हो रहा है। ये सिर्फ कोर्स बेचकर भूल जाने वाला काम नहीं होगा, ये काम रियल में करवाने वाला काम होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु बहुत सारे प्रश्न आप डेली लिख लोगे, खुद ही पता चल जाएगा मुख्य परीक्षा में होगा क्या। अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो हमें किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार पूछे जाएंगे। इसके लिए हमारे जो टेस्ट पोर्टल है
टेस्ट का हमारा जो पोर्टल बन रहा है उस टेस्ट पोर्टल पर आपको ये टेस्ट मिलेगा, मतलब कि जो वीडियो है उसी के अंत में एक लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेस्ट की एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो वहां से आप सीधे चले जाओगे हमारे टेस्ट पोर्टल पर, वहां आराम से आप टेस्ट दे पाओगे, क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, और पूरे ब्लॉक्स मिलेंगे आपको वन बाय वन जो पूरे टेस्ट के होते हैं, जैसा नॉर्मल होता है फॉर्मेट वो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है 20 भी हो और 50 भी हो, इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं कर सकते, कोई कोई टॉपिक होते हैं जहां से हमें दो तीन ही क्वेश्चन मिले, किसी से हमको 5-7 भी मिल सकते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट फिक्स नहीं, 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, और मेंस के जो होंगे उसमें 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन होंगे, 5 भी होंगे और 11 भी होंगे, जो आपको वीकली मिलेगा, ठीक है। अगला है कि क्या हमें 700 रुपए हर माह देने होंगे, तो भैया हर माह देने होंगे, जिस महीने लगे कि नहीं पढ़ना उस महीने मत देना, ठीक है, लेकिन ये एक रिचार्ज की तरह होगा, जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं ना वैसे, जैसे रिचार्ज कराओगे गाड़ी चालू हो जाएगी, रिचार्ज बंद तो गाड़ी बंद। एक और बात कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अगर हम 700 रुपए पे करें तो हमको पिछले महीने का भी मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आप पे करोगे, ठीक है, मतलब कि 60 वीडियोस जो है मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ये आपके लिए ओपन रहेंगे, ये आपको ओपन रहेंगे, ओपन कैसे रहेंगे कि जैसे ही आपने रिचार्ज किया तो उसके बाद शुरू के, मान लो कि आपने अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, अब आपने जुलाई में नहीं लिया तो जुलाई के 60 वीडियो आपके चले गए, ठीक है, इसके बाद आया अगस्त, आपने अगस्त में ले लिया, ठीक है, तो आपको जो 60 वीडियो होंगे ना वो नेक्स्ट नहीं मिलेंगे, याद रखना ये नेक्स्ट नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा वही वाला मिलेगा, ठीक है। पहले आप यहां से शुरू करो, मतलब कोर्स जीरो से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोर्स अगला चल रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है वो नए के हिसाब से पढ़ेगा, जो पुराना है वो पुराने के हिसाब से पढ़ेगा। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि सर चलो ठीक है, मैंने अगस्त में भी नहीं लिया, मैंने सितंबर में ले लिया और मैं आशा करता हूं कि मैं कंटिन्यू भी रहूं और पुराने भी रहूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो कह दिया वही उसमें रहने वाला है, ठीक है। तो हर महीने 700 रुपए का कोर्स रहेगा। हमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, तो देखो अभी तो आपके तीन विषय चल रहे हैं, इसके बाद आपका करंट अफेयर चल रहा है और डेली का कोई एक इवेंट रहेगा, जो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, उसके फायदे नुकसान वगैरह सब कुछ, ठीक है। और जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो उसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर खत्म होगा, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से चलेगा। पर मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो आपके डेली रहेंगे, मतलब 3 घंटे क्लास तो आपकी डेली रहने ही वाली है, ठीक है। इसके बाद है कि क्या हमें नोट्स सारे विषय के एक साथ उपलब्ध होंगे, तो भैया एक साथ उपलब्ध नहीं होंगे, साप्ताहिक जो पढ़ोगे वही मिलेगा, ठीक है, अगला या आगे का या पीछे का वो नहीं मिलेगा, जो पढ़ोगे वही मिलेगा, उसके लिए आपको जो है लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप डाउनलोड करके आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। एक साथ दे देंगे तो फिर क्या करोगे, नहीं पढ़ पाओगे इतना, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि देखो आप इस बात को समझिए कि हम ये चाहते हैं कि हम आपके ऊपर कमांड बना के रखें, आपको एक टारगेट देंगे 7 दिन में इतना अचीव करना है, ठीक है, मतलब शुरुआत धीमी है, मानता हूं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर हमें तो 8-8 घंटे पढ़ना है, बकवास बात है, ठीक है, 8-8 घंटे कोई नहीं पढ़ता, सब झूठी बात है, 6 घंटे आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो, 3 घंटे आप क्या करो, 3 घंटे आप वीडियो देखो, 1-1 घंटे अखबार पढ़ो, उसके बाद 1-1.5 घंटे उसको रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बना के उसको जो है आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो, इसी में 6-7 घंटे आपके आराम से पूरे हो जाएंगे, इतना बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और याद भी रखना है, आगे ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वीडियो किस माध्यम में उपलब्ध होंगे, तो भैया वीडियो जो है ये पोर्टल पर ही अवेलेबल होंगे और नेट के माध्यम से मिलेंगे, आपको कोई पेन ड्राइव या कोई सीडी ड्राइव ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नोट्स किस रूप में मिलेंगे, तो भैया नोट जो है वो शुद्ध देशवादा भाषा में पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है, आप पीडीएफ का लिंक जो डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है कि इस पैकेज के अंतर्गत क्या शामिल रहेगा, तो इस पैकेज के अंतर्गत पूरा ऑल सब्जेक्ट शामिल रहेगा, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या इस पैकेज के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा भी कवर होगी, तो भैया दोनों नहीं तीनों परीक्षा कवर होगी, तीनों, है ना, आपको प्री के लिए अलग से पे नहीं करना, आपको सिर्फ एक कोर्स के लिए पे करना है जिसमें आपका मेंस भी हो जाएगा, प्री भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा, और 150% गारंटी ले रहा हूं इस बात की, आप मेरी बात चाहो रिकॉर्ड करके रख लो, 150% गारंटी है कि मैं जो कोर्स करा रहा हूं उसमें प्री अगर कवर ना हो तो जितने आपसे फीस लूंगा ना उसका 4 गुना आपको रिटर्न कर दूंगा, अगर प्री के क्वेश्चन ना बैठे तो, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात आप याद रखें, इतनी गारंटी कोई नहीं लेता जितना मैं इस वीडियो में जितनी बार कह चुका हूं, ठीक है। अगला है कि इस पैकेज को किन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, तो भैया मैं आपको बताऊं 2 बार पीएससी इंटरव्यू दे चुका हूं, ठीक है, तो इंटरव्यू दिया है तो जाहिर सी बात है कि जिसको नॉलेज है वही इसको तैयार करवा रहा है, ठीक है, तो जितनी भी टीम लगी हुई है सब क्वालिफाइड है, सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है, ठीक है। अगला है कि इस पैकेज के अंतर्गत क्या सामग्री प्रदान की जाएगी, इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है,
हो सकता है ना दिख रहा हूँ आपको, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे और इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट जो है वो वीकली का आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूरे कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी। तो भैया अभी साप्ताहिक है तो आपको, सॉरी मंथली है तो आप 700 रुपये पे करोगे तो हर महीने का आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका कि भाई मैं एक दिन में कितने वीडियो देख सकता हूँ। तो देखिए ऐसा है कि आपको अगर 60 वीडियो अपलोडेड हैं पूरे तो आप 60 देख लो, अगर कहीं पर ताला लगा हुआ है तो उसको आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसका मतलब यह कि जो ताला लगा हुआ उसको आप नहीं देख पाओगे, बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। इसके बाद है कि एक वीडियो को पूरे कोर्स के दौरान कितनी बार देखा जा सकता है, तो आपका मन पड़े उतनी बार देखो, है ना। बहुत से वीडियो कोर्सेज जो है वो ऐसे हैं कि वो इनक्रिप्टेड रहते हैं। इनक्रिप्टेड मतलब आपने 2 बार देखा बस खत्म हो गया, फिर नहीं देख पाओगे, या 3 बार देखा तो खत्म फिर नहीं देख पाओगे। अपने यहाँ ऐसी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी बार मन करे पढ़ो, ठीक है। एक उद्देश्य पढ़ना, आपको पढ़ाना बस, और आपका सिलेक्शन लाना, बाकी इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या इस कोर्स को करने के बाद किसी किताब या कोचिंग जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। कोचिंग तो भूल ही जाना, आप कोचिंग की सीढ़ी नहीं चढ़ोगे। और इतनी गारंटी है कि अगर मेरा कोर्स ईमानदारी से पढ़ लिया ना तो आप कोचिंग वाले को भी पढ़ा जा जाओगे, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। मैं पिछले 3 सालों से जो क्लास है उसे रन कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़े और पढ़ने के बाद एक बार इंदौर भी गए, और वहां भी जब जाके देखा ना तो टीचर्स की भी छुट्टी कर दी उन लोगों ने, इतना क्वालिटी उन लोगों को लगा। और फिर वापस घूम के मेरे पास आया कि सर कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हो रही है। ये चीज मैं पहले क्लास में करता था, वही चीज अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में लेकर आ रहा हूँ। कि वीकली टारगेट रहेगा, वीकली टेस्ट रहेगा, वीकली रिटर्न टेस्ट रहेगा, वीकली हम सब चीजों को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स प्रॉपर मिलेंगे तो किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किताब से बेस्ट कुछ नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ। आपको लगता है कि थोड़ा डेटा कम लग रहा है, पहली बात लगेगा नहीं, फिर भी अगर कभी किसी को फील होता है तो आप और भी बुक्स को रेफर कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। आप एक छोटी 50 तरह की बुक पढ़ो, कोई बुराई नहीं, ठीक है। इसके बाद है कि ये कोर्स कितना सिलेबस कवर करता है, तो अब आप जान चुके हो कि कितना करता है। ये 100% कोर्स जो है उसे सिलेबस, उस सिलेबस को कवर करता है और उससे ज्यादा भी करता है। ये कोर्स कहाँ से प्राप्त होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी वेबसाइट www.psc.com पर जाइए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, बता चुका हूँ वीडियो में। इसके बाद है कि कोर्स को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, पीएससी अड्डा पर जाओ, ठीक है। वहां जाकर के आप अपना जो है लॉगिन कर लो और आराम से उसको आप परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। खरीदने के लिए पेमेंट कैसे करना होगा, तो आप नेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप UPI कर सकते हो, आप गूगल का जो है तेज या पे, गूगल पे उसका यूज कर सकते हो, आप फोन पे का यूज कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी चीजें होती हैं सब आप यूज कर सकते हो। क्या कोर्स को इंस्टॉलमेंट में खरीदा जा सकता है, तो अभी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप मंथली पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि मेरी पेन ड्राइव खो जाती है तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो देखिए पेन ड्राइव कोर्स तो है नहीं, आपको सीधे लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अपने पास रखना है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि मैं आईडी और पासवर्ड भूल जाऊं तो क्या कर सकता हूं, तो देखो आपके पास आईडी और अगर आप भूल जाते हो तो आप क्या करो कि जब आप लॉगिन करने जाओ तो वहां पर सारी चीजों को ऑथेंटिकेट डालो, जैसे कि जीमेल, ठीक है, आपसे ईमेल पूछा जाएगा, ठीक है, ईमेल आपसे पूछा जाएगा, तो आप उस ईमेल को अच्छे से डालो, उसमें कोई फेक चीज मत करो, क्योंकि यही चीज आपको रिट्रीव करने में सहायता करेगी। मोबाइल नंबर है उसको आप ईमानदारी से डालो, उसमें कोई चेंज मत करो, अगर आपने चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि क्या एक बार कोर्स को खरीद लूं तो क्या वापस खरीदना पड़ेगा, या उसी आईडी से वापस खरीद सकता हूं, तो नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मंथली वैलिडिटी चली जाती है तो कोर्स अपने आप बंद हो जाएगा, आपको आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आए होंगे, और ये आप ही के प्रश्न हैं तो आपने मुझे कॉमेंट करके व्हाट्सएप के थ्रू वगैरह पूछे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप कोर्स को जो डेमो लिया है वो आपको अच्छा लगा है, कमेंट बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको जो ये कोर्स है 1 तारीख से पेड हो जाएगा, तो प्लीज अगर आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी को गेन करना तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।